आइए अब आपको बताते हैं क्यों आपकी गाड़ी को वृंदावन में छठीकरा मोड़ के नजदीक ही रोक दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि वृंदावन विकास प्राधिकरण की पार्किंग बंद है। इसी सरकारी पार्किंग के ठीक सामने के खाली प्लॉट में पार्किंग कराई जा रही है। आइए अब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। क्या इशू है सर इसमें आगे मैम? सर क्या इशू क्या है, मतलब जाने क्यों नहीं दे रहे? हाँ जी, जाने क्यों नहीं दे रहे आप? दो इशू हैं, दूसरा जाम। जाम तो नहीं है अंदर, कहीं भी नहीं दिख रहा है जाम तो? आगे आप जाएंगे प्रेम मंदिर, वहाँ से जाम है पूरा। हाँ जी सर, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अधिकारियों का आदेश है हमारा। किन का आदेश है? रिटर्न में आदेश है, वैसे मौखिक है बस। आप जाके थाने पूछो। चलो आइए आपको मिलवाते हैं दरोगा जी से। दरोगा जी क्या इशू है? ये सैटरडे संडे बंद रहता है रास्ता। अच्छा, सैटरडे और संडे को बंद रहता है, लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर की। ये बैरिकेटिंग है, पुलिस ने की हुई है, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं मिल रही है। ये रात का सीन है, हमने शाम को भी शूट किया है और रात में भी शूट करके आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे पूरे जानकारी को। जो आप देख रहे हैं ये तो सच्चाई का सिर्फ एक रूप है। आइए अब आपको दूसरे तरफ की सच्चाई दिखाते हैं, पर्दे के पीछे का सच क्या है। अब आप देखिए, ये पार्किंग है जहां से पुलिस लोगों को इनपुट दे रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये लोग हैं जो वहां पर्ची काट रहे हैं और पूरी गाड़ियों की ऊपर उधर उधर, आप ये लगाकर चलिए, लगभग मोर देन 500 यहाँ व्हीकल्स अवेलेबल हैं। आपको मैं पर्ची दिखा रहा हूँ, यही वो पर्ची है जो यहाँ हर पार्क की गई गाड़ी के लिए दी जाती है और 100 रुपए वसूले जाते हैं। देखिए ये इस पार्किंग का हाल है, ठीक है। ये लोग हैं कुछ जो इधर पर्ची दे रहे हैं, जैसी पर्ची मैंने आपको दिखाई है, 100 रुपए की पर्ची है बिना किसी GST के, छठीकरा मोड़ अन्नपूर्णा पार्किंग। ये किसकी परमिशन से चल रही है, क्या किसकी लीगैलिटी है, कुछ नहीं पता है। कमाल की बात तो ये है कि आपसे देखते हैं आगे का पार्किंग की पर्ची वापस ले ली जाती है। दादा एक बात बताओ, ये बिना GST की पर्ची दे रहे हो? बिना GST की पर्ची है? उनसे बात करो, उनको पता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कौन इस पार्किंग को चला रहा है और इस पार्किंग की वैधता क्या है। एक ये भाई है इसमें जो पर्ची काट रहे हैं और तीन ये हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप अभी देखिए बिना GST के कैसे पर्चियां धड़ल्ले से दी जा रही हैं। आप लोग चला रहे हो भाई साहब इसे पार्किंग को ना? फिर कौन चला रहा है, कौन है, कहाँ है वो? फिर कोई पूछना है, ये पार्किंग का GST नंबर है या नहीं है? नहीं, और जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के। आप कौन है? कमाई कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। अच्छा, गाड़ी खड़ी है। आप सुन रहे हैं, लोग परेशान हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस पार्किंग की लीगल। कमाल की बात है ना, आपको पता ही नहीं है, प्रतिदिन लाख रुपए इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए कोई टैक्स भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम इस पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, आप चारों तरफ पुलिस कर्मियों को देख पा रहे होंगे और यहाँ खड़ी हुई गाड़ियों को भी देख पा। हर दिन सुबह से शाम तक लाख रुपए से भी ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप सभी से निवेदन है कि इस न्यूज को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हो रहे इस कृत्य को रोका जा सके।